हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है बैंक एग्जाम टुडे के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सीरीज का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन कवर करे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनके पेपर में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से याद कीजिए ताकि आप वो एक मार्क स्कोर कर सके। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स हमने खुद बनाए हैं और कुछ फीचर्स हमने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा फीचर लिया। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी कंट्रीज जिनसे हमने फीचर्स लिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स लिए हैं। हमने लिए हैं रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउसेज होना, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। इंडिया में हम अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोकसभा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को हटाना। इंडिया में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं करा गया है, लेकिन रिसेंटली ब्राजील की प्रेसिडेंट दिल्मा रूसेफ को इम्पीच करा गया और उनकी जगह माइकल टेमर को बनाया गया है नया प्रेसिडेंट ब्राजील का। तो ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और किस तरीके से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है मेंबर्स को राज्यसभा में। इसके बाद है कनाडा। कनाडा से हमने लिया है फेडरलिज्म और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स बाय सेंटर, यानी कि किस तरीके से सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करती है। इसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। फ्रांस से हमने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यूएसएसआर यानी कि सोवियत, जिसको अब हम रशिया बोलते हैं, उससे हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज और फाइव ईयर प्लान। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस वक्त 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे और अब 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हैं। टोटल अमेंडमेंट्स जो अभी तक हुए हैं वो है 101। जो लास्ट अमेंडमेंट था वो था जीएसटी बिल का, जो हुआ 8 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना। जैसे कि 101st अमेंडमेंट जो हुआ वो जीएसटी बिल के लिए हुआ। इस अमेंडमेंट में हमने ये सारे आर्टिकल्स और 6th और 7th शेड्यूल को मॉडिफाई करा और आर्टिकल 268A को डिलीट करा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन और चेंजेस करना ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमें बताता है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा वो है आर्टिकल 368।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और काफी बार ये पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टोटल अमेंडमेंट जो अभी तक हुए हैं वो कितने हैं। तो टोटल 101 अमेंडमेंट्स अभी तक हुए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ 1951 में। इस अमेंडमेंट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड हुआ और वैलिडिटी ऑफ जमींदारी अबॉलिशन लॉ पर फोकस हुआ। 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ और इस अमेंडमेंट की वजह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। 3 कैटेगरीज जो स्टेट की थी ए बी और सी वो अबॉलिश हुई। यूनियन टेरिटरीज एस्टैब्लिश हुई और ये डिसाइड हुआ कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो एक गवर्नर दो स्टेट्स को भी मैनेज करेगा। नेक्स्ट आया 10th अमेंडमेंट 1961 में। इस अमेंडमेंट में ये डिसाइड हुआ कि दादर और नागर हवेली को इनकॉर्पोरेट करा जाएगा एज यूनियन टेरिटरी। इसके बाद आया 12th अमेंडमेंट 1962 में। इस अमेंडमेंट में ये डिसाइड हुआ कि गोवा और दमन एंड दीव को इंक्लूड करा जाएगा इंडियन यूनियन में। नेक्स्ट है 15th अमेंडमेंट जो हुआ 1963 में। इस अमेंडमेंट में ये डिसाइड हुआ कि जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है उसे बढ़ा दिया जाएगा और ये एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। नेक्स्ट है 24th अमेंडमेंट, ये हुआ 1971 में। इस अमेंडमेंट की वजह से पार्लियामेंट को एक पावर मिली जिससे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता था इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर मैंडेटरी हो गए और आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया गया। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट, ये हुआ 1976 में। ये अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है और पेपर में क्वेश्चन इस अमेंडमेंट से ही पूछे जाते हैं। इस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट की वजह से वर्ड्स जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुए। वैसे तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में। टेन्योर लोकसभा और स्टेट असेंबली का 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई कि वो जब चाहे इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं किसी भी स्टेट में या पूरे इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी कि वो चाहे तो कोई भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया। ये अमेंडमेंट तब आया जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 42nd अमेंडमेंट 1976 के जो आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके बाद है 44th अमेंडमेंट जो हुआ 1978 में। इस अमेंडमेंट की वजह से राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी उससे चेंज कर अब लीगल राइट बना दिया। जो टेन्योर लोकसभा और स्टेट असेंबली का था उसे 5 साल कर दिया गया और ये डिसाइड हुआ कि इमरजेंसी तभी लगेगी अगर एक रिटर्न एडवाइस कैबिनेट देगी प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट जो हुआ 1985 में। इस अमेंडमेंट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड हुआ और एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ। 61st अमेंडमेंट हुआ 1989 में। इस अमेंडमेंट की वजह से वोटिंग एज 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई। इसके बाद आया 73rd अमेंडमेंट 1992 में, जिसकी वजह से 11th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ और पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद है 74th अमेंडमेंट जो हुआ 1992 में। इस अमेंडमेंट की वजह से 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट, ये हुआ 2002 में। इस अमेंडमेंट की वजह से 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। याद रखिएगा टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है 11, 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट में और 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई 86th अमेंडमेंट में। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 14 साल है। इसके बाद हुआ 100th अमेंडमेंट, ये हुआ 2015 में। इस अमेंडमेंट में
इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ। लास्ट अमेंडमेंट जो है वो है 101st अमेंडमेंट। ये हुआ 2016 में और ये हमने जीएसटी बिल के लिए किया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा जो आप लोगों को पेपर के लिए याद रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ। तो ये हुआ 1951 में। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और जो लास्ट अमेंडमेंट यानी कि 101st अमेंडमेंट ये हुआ 2016 में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस वीडियो की जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।